नमस्कार दोस्तों, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्थ रिसर्च की। दुनिया भर के वैज्ञानिक तथा हेल्थ रिसर्चर्स दिनों दिन नए तरह की बीमारियों का खोज कर रहे हैं, और विशेषकर जब से COVID-19 हमारे विश्व में फैला है तो वैज्ञानिक और सजग हो गए हैं और हर बीमारी की एक विशेष प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने चूहों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ प्रकार का लीवर कैंसर की खोज की है। जी हाँ, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक तथा यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चूहों में मिक्स्ड लीवर तथा बाइबल डक्ट कार्सिनोमा नामक एक दुर्लभ प्रकार का यकृत यानी लीवर कैंसर की उत्पत्ति होने वाली कोशिकाओं की खोज की है। इसमें इंटरल्यूकिन 6 एक प्रो इंफ्लेमेटरी इम्यूनोलॉजिकल मैसेंजर्स है, जिसे कैंसर के विकास के साथ जोड़ा गया है और इसे IL-6 नाम दिया गया है। दोस्तों यह रिसर्च वैज्ञानिकों ने जनरल ऑफ हेपेटोलॉजी में प्रकाशित किया है। तो दोस्तों हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इंटर हेप्टिक बाइल डक्ट कार्सिनोमा और एक सकर रूप से जिसे संयुक्त लीवर पित्तवाहिनी कार्सिनोमा के रूप में जाना जाता है, सभी को लीवर कैंसर शब्द में ही शामिल कर लिया गया है। इसमें CHCC और CCA कोशिकाएं दोनों प्रकार के कैंसर के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। यह एक अत्यंत आक्रामक माना जाता है, जो कि वर्तमान में उपचार के लिए बहुत ही अच्छी प्रक्रिया को भी प्रदान करता है। जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर्स के माइथियास हाइकेन वाइल्डर और यरूशलेम के हिब्रू यूनिवर्सिटी के एथन गैलून ने इस रिसर्च टीम का नेतृत्व किया तथा उन्होंने इनके उपचारों के संभावित लक्ष्यों को खोजने के लिए इन ट्यूमर के सेलुलर आकार की जांच की। इस विशेष अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उनके अनुवांशिक रूपों से परिवर्तित चूहों में पाए जाने वाली कोशिकाओं की खोज की, जिसमें पहले की उम्र में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तथा चूहों में पहले से ही उनके लीवर में स्वेलिंग यानी सूजन आ गई थी। साथ ही बाद में CHCC तथा CCA का विकास हुआ। इन जानवरों में CHCC या CCA ट्यूमर की कोशिकाओं ने बड़े पैमाने पर मनुष्यों में CHCC और CCA कोशिकाओं के समान भी आणविक प्रोफाइल होती है। इस रिसर्च में जर्मन और इजराइल की ज्वाइंट रिसर्च टीम ने पाया कि यह लीवर कोशिकाओं के वो अग्रदूत हैं जहां CHCC और CCA विकसित होते हैं। दूसरी ओर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जब क्षतिग्रस्त या परिपक्व लीवर की कोशिकाओं को इफेक्ट करते हैं तथा इससे इफेक्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों प्रो इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन यानी IL-6 सिग्नलिंग पाथवेज में शामिल जीन्स के CHCC और CCA कोशिकाओं में अत्यधिक रूप से एक्टिव होते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारी प्रतिरक्षा कोशिका यानी इम्यूनिटी जो कोशिका सेल्स होती हैं उन्हीं में ये IL-6 पाया जाता है, जो कि इस सिग्नलिंग मार्ग को सक्रिय करती हैं तथा सेनेसेंस जैसा वैज्ञानिक कोशिकाओं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के साथ ही ये लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रो भड़काव यानी एक्टिव सिग्नलिंग अणुओं की को इफेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण IL-6 मुख्य रूप से एक्टिव हो जाता है। दोस्तों आज के दिनों में ट्यूमर के लिए एक सर्जिकल रिमूवर ही सबसे अच्छी प्रक्रिया माना गया है ट्यूमर्स को हटाने के लिए, तथा इसका उपचार भी काफी प्रभावी है। यह सर्जिकल रिमूवल प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब हमें कैंसर का फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में ही पता चल जाए। तो दोस्तों ये थी बात इस रिसर्च की, जिसमें जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर तथा हिब्रू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चूहों में एक मिक्स्ड लीवर कैंसर की एक दुर्लभ प्रकार के लीवर कैंसर की खोज।